हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था जेनेटिक्स का। आज हम लोग कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे एक एक करके, जैसे जीन क्या है, एलील क्या है, संजात गुणसूत्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीन। जीन इसको समझेंगे अच्छे से, या फिर जीन होता क्या है। जीन इसको बोला जाता है आनुवंशिकी की इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकी की इकाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स, सॉरी जीन। तो मेंडेल जो है उनको जीन के बारे में पता नहीं था, उन्होंने जीन के लिए एक टर्म यूज़ किया था, उस टर्म का क्या नाम था, फैक्टर। ये फैक्टर किसने बताया था, ये दिया गया था मेंडेल के द्वारा। मेंडेल ने जीन के लिए क्या शब्द यूज़ किया था, फैक्टर। ठीक, तो जीन समझते हैं, जीन क्या हो। देखिए कोई हमारी कोशिका है, मान लीजिए ये है कोशिका, डिप्लोइड सेल है कोई, इसके अंदर गुणसूत्र लगे होते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है तो गुणसूत्र इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। अब इनमें से जो आधे गुणसूत्र है वो हमें फादर से मिले होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम, और बाकी के जो आधे हैं वो मिले होते हैं माता से, तो इसको बोलते हैं मैटर्नल क्रोमोसोम। तो 23 क्रोमोसोम हमको पेरेंट हमको मिले हैं फादर से, 23 क्रोमोसोम हमको मिले हैं किससे, मदर से। तो हमारे अंदर टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम हमारी डिप्लोइड सेल में। इसको ऐसे भी लिखते हैं 44 ऑटोसोम और प्लस XX। ये ऑटोसोम है दैहिक गुणसूत्र, और क्या हो सकता है 44A प्लस XY। तो ये कंडीशन पाई जाती है मेल के अंदर, मेल को इस संबंध से दिखाएंगे हम, ये कंडीशन पाई जाएगी फीमेल। तो जब गैमेट बनते हैं, गैमेट में यहाँ से 22 और यहाँ से कोई एक क्रोमोसोम जाएगा, ऐसे जब यहाँ पे क्या बनेगा फीमेल गैमेट या है, तो उसमें भी यहाँ से आधे यानी कि 22 और एक एक्स क्रोमोसोम। तो हमारी जो सेल है, सेल के अंदर अगर ये फर्स्ट क्रोमोसोम है जो कि हमें फादर से मिला हुआ है, तो जस्ट उसके ठीक सामने फर्स्ट क्रोमोसोम होगा जो किससे मिला होगा, मदर से मिला। इसी तरह से सेकेंड क्रोमोसोम अगर यहाँ पे है जो फादर से मिला हुआ है, तो उसी के जस्ट सामने सेकेंड क्रोमोसोम होगा जो मदर से मिला होगा। तो इसी तरह से जोड़े में लगी होगी, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं समजात गुणसूत्र या होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे गुणसूत्र जिनकी संरचना और उत्पत्ति एक समान होती है, और जो जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, उसको बोला जाता है समजात गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर होता है DNA। गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र बना हुआ है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो है क्षारीय प्रोटीन है, और DNA को रैप करने के काम आती है। ऐसा बोला जाता है कि जो एक कोशिका होती है हमारी, उसमें से DNA को अगर निकाला जाए और खींच दिया जाए, तो लगभग 2 मीटर लंबा एक DNA हमारी कोशिका में, एक कोशिका में, और सभी कोशिकाओं से DNA को निकाल दिया जाए तो बोला जाता है कि यहाँ से आप चांद का चक्कर लगा सकते, इतना ज़्यादा लंबा होता है। तो सोचो एक छोटी सी सेल जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही, उस सेल के अंदर ये इतना बड़ा DNA कैसे आया, क्या करेंगे हम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस। इसको हम क्या करेंगे, इसको लपेटेंगे, ऐसे लपेटेंगे, तब तक लपेटते रहेंगे जब तक ये इसका जो साइज है वो इसमें समाने लाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं DNA पैकेजिंग। जो DNA है उसके चारों ओर स्टोन प्रोटीन लपेट दी जाए, जैसे ये है हमारा DNA और ये रही स्टोन प्रोटीन, फिर से आएगा यहाँ पर, फिर से स्टोन प्रोटीन, ये स्टोन प्रोटीन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, ऐसे ही लपेट दी जाए और आपस में कंडेंस होते चले जाते, फिर एक लेयर और बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, और तब जाकर ये कुछ इस तरह के क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। DNA जो होता है वो अम्ल है, हिस्टोन प्रोटीन चार्ज, DNA पर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं, हम DNA को देखते हैं, DNA पर इसमें से अगर DNA को देखा जाए तो DNA की संरचना कुछ ऐसी होती है, इस तरह से ऐसी स्ट्रक्चर होती है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे 5' सिरा होता है और इधर 3', और फिर नीचे की तरफ आते हैं अगर हम, तो यहाँ पे 3' और यहाँ 5, इसको बोलते हैं प्रति समानांतर। इसको क्या करते हैं, इसको हम खींच देते हैं, खींच के कुछ ऐसा बना एकदम लीनियर, यहाँ पे 5' और यहाँ पे 3', फिर से यहाँ पे 3' और यहाँ पे 5'। तो जो DNA होता है उसमें हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, 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 ए, टी,
ए बी ई सी जी सी जी सी, तो ये कोई सीक्वेंस है, हमने रैंडमली कोई सीक्वेंस ले ली। तो बच्चों ध्यान रखना, ए के सामने हमेशा ई आता है और सी के सामने हमेशा जी आता है। आगे जब डीएनए का चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ए के सामने क्या लिखोगे दूसरे स्टैंड में, पी ई के सामने ए, सी के सामने जी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ई के सामने ए के सामने ए ई जी सी 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 ई ए टी ए ए जी सी जी सी जी। तो ये मान लीजिए हमारा कोई डीएनए है। अब जो डीएनए होता है मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कोई सीक्वेंस था ये न्यूक्लियोटाइड का, और इस डीएनए ने आगे चलकर आरएनए बनाया। डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपिकरण। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलिपिकरण, ठीक। और फिर ये आरएनए जो है आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मान लेते हैं ये प्रोटीन जो बना रहे हो मेलेनिन प्रोटीन, मेलेनिन प्रोटीन जो हमारी स्किन के कलर को डिसाइड करती है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो कि आगे चलकर एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बना रहा है या एक विशिष्ट प्रकार का आरएनए बना रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो जीन किस पर लगे हुए? डीएनए पर लगे हुए। क्या है जीन? न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, एक क्रम है जो कि जीवों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग जीन होते हैं तो अलग अलग तरह की वो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन से ही आगे चलकर एंजाइम्स बनते हैं। तो हमने मान लिया जीन नंबर वन था हमारा जो क्या बना रहा था, मेलेनिन प्रोटीन। इसके आगे मान लीजिए इसी के जस्ट आगे एक और जीन लगा हुआ है, ये भी आगे चलकर क्या बनाएगा, पहले ये भी आरएनए बनाएगा और ये भी आरएनए से आगे चल के क्या बनाएगा, डीएनए से आरएनए का बनना अनुलिपिकरण, आरएनए से प्रोटीन का बनना अनुलेखन या अनुवादन, ट्रांसलेशन। इस प्रोटीन, ये प्रोटीन हम मान लेते हैं, ये हमारी प्रोटीन कौन सी है, इंसुलिन मान लेते हैं। चलो इसको चलो अपनी तरफ से मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, प्रोटीन दूसरी तरह की प्रोटीन बने। फिर एक और जीन वहाँ पर लगा होगा तो वो किसी और तरह की प्रोटीन बना होगा। तो हर क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर जीन का अलग अलग काम होता है। और ये क्रोमोसोम जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जीन लगा हुआ है और वो आई का कलर बना रहा है, तो इसमें भी दूसरे जो गुणसूत्र है जो हमें मदर से मिला हुआ है उसमें भी सेम लोकस पर, लोकस क्या है जैसे हम लोगों की एक लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, उसी तरह से जीन भी जो होता है उसका भी एक लोकस होता है, यानी क्रोमोसोम में किस जगह पे स्थित है वो कहलाता है उसका। तो यहाँ पर मान लीजिए आई का कलर बनाने वाला एक जीन, तो वो जो जीन है मान लेते हैं यहाँ पे इस वाले में वो ब्लैक कलर की आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ जो जीन है वो मान लीजिए ब्राउन कलर की आईज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। तो जो जीन होता है इतना बड़ा हम लिखा नहीं लिखते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने इसको छोटा कर दिया। हम उन्होंने इसको एक लेटर का नाम दे दिया, जैसे को मान लिया कैपिटल है, इसको हमने मान लिया कैपिटल बी, केसर को जीन आ रहा होगा तो इसको मान लेंगे कैपिटल सी। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो आई का कलर बना रहा है वो जो जीन था वो था कैपिटल ए। अब अगर यहाँ पर भी सेम ही कलर बनता, ब्लैक ही बनता, तो इसको हम लोग कैपिटल ए बोलते हैं, और यहाँ पर वन कौन सा रहा है, ब्राउन कलर, तो यहाँ इसको लिखेंगे। अब इसको स्मॉल ए, इसको कैपिटल भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि प्रभावी लक्षण कौन सा है, जो प्रभावी लक्षण होता है उसी को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। तो ये जो बच्चों हमने दिखाया है ये एक जीन था, एक जीन था जिसके दो एलील हैं, एक है हमारा कैसा प्रभावी एलील जिसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और ये कैसा है अप्रभावी एलील जिसको स्मॉल लेटर्स दिखाते हैं। तो ये था बच्चों जीन। एक बार और देख लेते हैं जीन क्या है। जीन डीएनए पर लगे हुए न्यूक्लियोटाइड के कुछ सीक्वेंस होते हैं जो आगे चलकर एक विशिष्ट प्रकार का आरएनए या विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन बनाते हैं, और जीन रैखिक क्रम में लगे होते हैं, लीनियर सीक्वेंस, यानी कि एक जीन होगा फिर दूसरा चलेगा उसके बाद, फिर दूसरा खत्म होगा तो तीसरा आएगा, तीसरे के बाद चौथा आएगा, चौथे के बाद पाँचवा आएगा। तो ये है हमारे जीन। ओके, तो जीन कहाँ पे लगे हुए? डीएनए पर लगे हुए हैं। नाइट्रोजन बेस या फिर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होते हैं, आनुवंशिक इकाई कहलाते हैं। मेंडल ने को जीन नहीं कहा था क्योंकि उनको पता नहीं था कि जीन क्या होता है, तो उन्होंने इसके लिए फैक्टर यूज किया। और एलील्स क्या है? ये जो मैंने बताए हैं बच्चों इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, एलील या एलीलोमोर, या इन्हीं बोलते हैं युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी। तो क्या है युग्म विकल्पी? डीएनए का ही एक एकांतर रूप है, जीन का ही एकांतर रूप कहलाता है युग्म विकल्पी। तो एक जीन में हमारे मिनिमम दो एलील, कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल एलील, वो फिर किसी और लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और ही नहीं,
छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में, जैसे प्रभावी लक्षण देखेंगे हम, अप्रभावी देखेंगे, और संयुग्मकी क्या है, विषमयुग्मकी क्या है, इन सब के बारे में।